इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले तो आप सभी को इत्तेहाद न्यूज़ की जानिब से नए साल की मुबारकबाद। हम हुबली शहर के अल्ताफ नवाज़ कित्तूर, जो ख़ुद तारुफ़ के मोहताज नहीं है, वो काफ़ी मशहूर व मारूफ़ शख्सियत हैं, लिहाजा हम उनके पास बैठे हैं, उनका ख्यालात क्या है वो जानने के लिए। कित्तूर साहब, नया साल है, इस्लामी नया साल आज से, आप चार बार कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं, मुसलमानों की नज़र आपको तो दूर दूर तक लोग जानते हैं और ये एक उभरते हुए कायद की नज़र से आपको देखते हैं, आप कर्नाटका अकेडमी के मेंबर भी हैं, तो लिहाजा इस नए साल के मौके पर आप मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे और आप क्या अज़्म अपना लेकर उठे हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं तमाम मुसलमानों को मुहर्रम के मुबारकबाद देता हूँ कि मुहर्रम से ही हमारा नया साल शुरू होता है। तो जैसा आप कह रहे थे कि मुसलमानों के ताल्लुक से आपको क्या कहना है, मैं वैसे तो अब नया साल का मुबारक भी बात दे चुका हूँ। मैं हमारे मुसलमानों तमाम भाई और बहनों से और जो नौजवानों से यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो इस्लामी दिन है उस दिन पर चले और ख़ास करके हमारी तबके के जो लोग हैं एजुकेशन में बहुत पीछे है, एजुकेशन के तरफ आगे आए। और बच्चों के माँ बाप से भी मेरी गुजारिश है कि ख़ास करके बच्चों को पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जा दे, दीन की तालीम ने दुनिया की भी तालीम आज ज़रूरत है, दोनों की तरफ ज़्यादा तवज्जा दे। तो जो आज हम लोग बहुत सारे मुसीबतों से गुज़र रहे हैं और बहुत सारी परेशानियों से गुज़र रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग अगर एजुकेटेड बन जाएंगे तो और उसके साथ साथ दीनी तालीम भी अगर हमारे में आ जाए तो इंशाअल्लाह जो है मुसलमान बहुत आगे निकल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आज जो है हमें फ़िरकों में बांट कर हमें जो है डिवाइड किया जा रहा है, हमें ऐसे हालात पर फ़िरकों में डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं, हम सब एकजुट होकर और हम सब मुसलमान हैं, हम सब एक होकर आगे बढ़ना चाहिए, यही मैं हमारे मुसलमानों को पैगाम देना चाहूँगा। आने वाले बल्दिया इंतखाबात के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वैसे तो अभी हो सकता है आने वाले एक महीने दो महीने में कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो जाएंगे। मैं इससे पहले भी अतराफ अतराफ वार्ड से चुनकर आया हूँ, अभी भी मेरा वार्ड चेंज हो गया है और इंशाल्लाह मैं जिस वार्ड में भी ठहरना चाहूँगा उस वार्ड के लोग जो है मुझे कबूल करेंगे और जीत के बुलाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि मैं कॉरपोरेशन में जब से चुनकर आया हूँ तब से जो है वहाँ पर कॉरपोरेट के होने के नाते जो जो भी डेवलपमेंट्स करना है वो डेवलपमेंट्स करने के अलावा भी और वहाँ पर भी बहुत सारे ये आरएसएस के बीजेपी के जो कॉरपोरेटर्स होते हैं हमेशा जो मुसलमानों के जो भी कामकाज डेवलपमेंट्स रहते हैं उसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं और मैं तकरीबन 20 साल से वहाँ पर उनका सवाल का जवाब देते रहा हूँ और मैं मेरे वार्ड के डेवलपमेंट के काम के अलावा भी मुसलमान के जब भी काम आते हैं तो मैं कभी पीछे नहीं हटता और कभी छोड़ के भी नहीं दिया और इंशाल्लाह ये कामों के अंदर मैं बढ़ चढ़ के करता भी रहूँगा। आप जिस इलाके से जीत कर आते हैं अतराफ में, काफ़ी बड़ा मुसलमानों का ये इलाका कहा जाता है और लोगों की उम्मीदें भी इस कदर बड़ी हुई हैं आपसे कि वो आपको MLA की नज़र से भी देखना चाहते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे तो जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेकर
मैं समझता हूँ 2008 तक जो है एक जो हुबली शहर कहलाया जाता था वहाँ पर जो है मुसलमानी चुनकर आते थे। डीलिमिटेशन के अंदर वो जो सीट चली गई है अब तकरीबन 11 साल गुजर चुके हैं, अब देखना है कि वो कितने साल तक रिजर्वेशन रहेगा, तब तक तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे फिर कोई यहाँ पर आसपास में ऐसे कोई इलाके नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है हम चुनकर आए, क्योंकि हालात वैसे नहीं है। आज 75% मुसलमान के अगर वोट होते हैं तो वहाँ बड़ी आसानी के साथ जीत कर आते हैं, 25% अगर मुसलमान के अगर वहाँ पर वोटर्स है तो ऐसे जगह में चुनकाना मुसलमानों के लिए आसानी नहीं है। फिर भी लोग उम्मीद लगाए है कि एक बार जो है अल्ताफ नवाज कित्तूर को भी हम एमएलए बनाएंगे, क्योंकि वैसे भी लास्ट बार जो इलेक्शन में असम्बली में मैं जेडीएस में था, जेडीएस से मुझे टिकट भी दिया गया था और मैं कैंडिडेट भी बन चुका था। इसके बावजूद मेरे सामने जो है और एक मुसलमान कांग्रेस के आने की वजह से मैं उसको मौका देने के लिए मैं एमएलए का कैंडिडेट रहने के बावजूद भी जेडीएस का मैंने विड्रॉ करा के उसको एक मौका दिया है। अब लोग जो चाहते हैं कि एक बार जो मौका इन्होंने दे चुके हैं, अब हम लोग अल्ताफ नवाज कित्तूर को इस बार जो है एमएलए बनाएंगे, उनकी एक ख्वाहिश है, देखेंगे आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ नवाज कित्तूर काफ़ी मशहूर मारूफ शख्सियत हैं और अंजुमन इस्लाम हुबली के वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं फ़िलहाल। अब आने वाले दिनों में तमाम की उम्मीदें, तमाम की ख्वाहिशें अल्ताफ नवाज कित्तूर के साथ हैं कि वो एमएलए बने और आवाम की और मिल्लत की खिदमात को अंजाम दे। हम भी उनकी दुआओं के साथ हैं, हम भी उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, इसलिए कि आज के जिन हालात से जो उम्मत गुज़र रही है वो वहाँ पर नौजवान कायदों की ज़रूरत है, जहाँ जज्बे की, नौजवानों में जो खेल कूद की, जहाँ एक तरफ नौजवान नशे की आदत में गुम अंधेरे में गुम होता नज़र आ रहा है, वहीं अल्ताफ कित्तूर जैसे लोग नौजवानों में खेल कूद के जज्बे को डालकर उसमें तंदुरुस्त रखना चाहते हैं ताकि मिल्लत और ये मुल्क तंदुरुस्त रहे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।